गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू धनलक्ष्मी होम कुक। आज हम चने का चाट बनाएंगे। इसके लिए चने को रात भर भिगा के उबाल लीजिए। देखिए उबल गए, उबाल के इसे छान ली हूँ, छान के तैयार रखी हूँ। थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के इसे उबाल के तैयार रखें। आज हमको स्टोव गैस के सर नहीं जाना है, पहले से उबाल के मैं रखी हूँ। इसमें चाट बनाने के लिए कटे हुए प्याज, एक कटा हुआ कच्चा मिर्ची, धनिया पत्ती, चाट मसाला, टमाटर कटा हुआ, एक छोटा टुकड़ा कच्चे आम का कटा हुआ, ये सबको तैयार रखना है। धनिया पत्ती थोड़ा सा कटा हुआ। अब इसे मिक्सिंग बाउल में डालते हैं। इसमें सामान मिलाना है। देखिए चने अच्छे से उबले हुए, रात भर भिगा कर सुबह उबाल लेना है इसे। कटा हुआ प्याज, कटा हुआ हरा धनिया, एक मिर्ची कटा हुआ, ग्रीन चिली का, ये जीरा सरसों और करी पत्ता को थोड़ा सा ऑयल में फ्राई करके ठंडा करके रखी हूँ। कटा हुआ टमाटर है, एक कटे हुए आम, छोटा सा टुकड़ा आम का काट के रखें। और ये चाट मसाला, ये बहुत ज़रूरी है चाट बनाने के लिए, चाट मसाला है। मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कीजिए। ये चना मसाला ज़रूर बनाइए और आपका कैसा बनता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है, ये आप ज़रूर बनाइए। इसे हेल्दी है चना उबले हुए, और कुछ मसाले ज़्यादा नहीं लगेंगे। देखिए कच्चा मिर्ची ऐड करें जो काट के रखें, कटा हुआ टमाटर, धनिया पत्ती, कटे हुए प्याज, जो जो सब काट के रेडी रखे सबको मिक्सिंग बाउल में चने में डाल लेना है, एक एक करके। कटे हुए आम है, ये जीरा सरसों और कच्चा करी पत्ता को फ्राई करके इसको रेडी रखी हूँ। इस भी मिला दीजिए, इससे भी थोड़ा टेस्ट उसका अच्छा लगेगा। थोड़ा सा ऑयल भी डालने से ठीक लगता है, अच्छा लगेगा। इसको ज़रूर डालना है, इसको आप लोग ज़रूर डालिए बनाते समय। इसमें थोड़े से चने में नमक डाला है तो थोड़ा सा कम नमक डालना है, और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर थोड़ा कम, क्योंकि कच्चा मिर्ची भी है। थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा नमक ऊपर से। वैसे चाट मसाला में भी नमक रहता ही है, और चने को थोड़ा सा नमक डाल के उबाली हूँ तो कम ही लगेगा। जस्ट ऊपर से थोड़ा सा मिला लीजिए, इसके ऊपर चाहे तो थोड़ा सा ऑयल भी डाल सकते हैं। मैं जीरा सरसों और उसको फ्राई करके डाली ना, उसमें थोड़ा सा ऑयल है, उसी में हो जाएगा। मैं उसको डाली नहीं, आखिरी में डाली चाट मसाला, ये बहुत ज़रूरी है।
अच्छे से मिलाइए, मिलाने के ऊपर है, पूरा एक साथ हो जाना है, जो जो डाले आप सब मिलाना चाहिए, मिल जाना चाहिए, एक साथ होना है, अच्छे से मिलाइए। इसको एक बार ज़रूर बनाइए आप, बहुत हेल्दी है इसमें, ना आपको स्टोव जलाने की झंझट है, ना गैस सड़ जाना है। बस एक बार चने उबाल लीजिए, फिर पूरे कटे हुए सामान से आप आराम से बना सकते हो। देखिए बन गया आपका, तैयार हो गया चाट, आप इसे सजाइए और खाइए। मेरे चैनल को देखते रहिए प्लीज़। थैंक्स फॉर वाचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक्स फॉर वाचिंग।